गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है एंड केमिस्ट्री तो आपको पता है, जिसमें कि हम केमिकल्स सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल से डील करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें पता है दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो जो खुद ब खुद हो, तो कोई भी रिएक्शन अगर खुद ब खुद हो रही है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हम क्या करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लगाते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है प्रोड्यूस होती है हम उसको स्टोर करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम यूज करते हैं एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए। तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब क्या हुआ कि हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एनर्जी को यूज किया एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करने से पहले पूरा टॉपिक, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी ये टॉपिक पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो हमने वहां पर बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, या हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी के ऑपोजिट है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। उसी में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन। और अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अगर मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो वहां होगा जहां पर रिडक्शन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट वहां होगा जहां ऑक्सीडेशन होगा। अब आपको एक रिएक्शन सामने दिख रही है स्क्रीन पे, ZN सॉलिड जिसमें दो प्रोटॉन्स एच पॉजिटिव मिलाए, एक्वो सॉल्यूशन में थे, तो ZN2 पॉजिटिव और H2 गैस रिलीज हुई। जिंक का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पहुंची, तो इट इज ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन की +1 स्टेट से 0 पहुंची, दैट इज रिडक्शन। तो अगर मैं सिर्फ सीधी सी बात करूं कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, विच इज रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेस जिंक बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो रेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने अभी कहा था कि जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, और अगर मैं जिंक की बात करूं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने हाइड्रोजन को क्या किया है, जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, तो जिंक क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस कंसेप्ट यू विल अगेन स्टडी फ्रॉम योर 11th क्लास बुक। टुमारो आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू द टॉपिक, दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद मैं आपको एक शीट और भेजने वाली हूँ ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, तो वो भी आप कर लीजिएगा। थैंक यू।